माय नेम इज अपूर्वा एंड आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग से टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि लेटर राइटिंग आर्कएंजल एंजल्स को कैसे लिखें, कैसे पत्र लिखें एंजल्स को। मुझे काफी सारे इसमें क्वेश्चंस आए थे, बट जो मेन क्वेश्चन जो मुझे लगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है वो ये है कि पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए हम कौन से आर्कएंजल की हेल्प लें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि एंजल्स हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है, बट जब तक हम उन्हें अलाउ नहीं करते हैं वो कभी भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो मेक श्योर अगर आप एंजल की हेल्प लेना चाहते हैं तो उनको अलाउ करें। एंड सेकेंड रूल इज बी सीरियस अबाउट योर विश। अगर आप अपने विश से रिलेटेड सीरियस नहीं है तो कभी कभी मैजिक काम नहीं करता है। अगर आप एंजल की हेल्प लेना चाहते हैं तो जो भी आपकी विश है उसको बिल्कुल सीरियस होके उनसे मांगे, दिल से मांगे, दिल खोल के मांगे, उनको अलाउ करें अपनी हेल्प करने के लिए। चीजें चेंज होंगी, चीजें मैनिफेस्ट होंगी। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है, अपना बेस्ट शॉट दो, पूरी मेहनत करो, अपना 100% दो। जो लक वाला फैक्टर है वो यूनिवर्स एंड एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके मैनेज कर लेंगे। बिकॉज इन माई केस मैंने जब जब प्रॉपर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करी है उसके बाद बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ा है, एक्चुअली में मेरे साथ मैजिक हुआ है, ट्रस्ट मी। मैंने ऐसी चीजें भी मैनिफेस्ट करी है, मैंने कुछ ना करके भी चीजें मैनिफेस्ट करी है, बट जब मैं अपने पूरे एफर्ट्स के साथ चीजें करती हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट और अमेजिंगली मिलता है। यूनिवर्स आपको पुश करेगा, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के टूवर्ड्स पुश करेगा, बट आपको एक्शंस लेने होते हैं। बट जो चीज मैंने नहीं करी है वो चीज मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं करने के लिए। मैं इसलिए हमेशा सबको ये चीज बोलती हूँ कि अपना बेस्ट शॉट दो, बाकी जो आपका लक वाला फैक्टर है वो यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल्स आपके स्पिरिट गाइड संभाल लेंगे, ट्रस्ट मी। अपना बेस्ट दो, बाकी एंजल्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, स्पिरिट गाइड्स पे छोड़ दो, बट अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दो। बाकी आपकी कॉल, अगर आप मैजिक को टेस्ट करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं, गो अहेड एंड डू इट। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, कौन से आर्कएंजल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी स्टडीज में। तो वो है आर्कएंजल यूरियल। ये बहुत ही पावरफुल नॉलेज के लिए जाने जाते हैं आर्कएंजल यूरियल। तो जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं स्टडीज से, नॉलेज से रिलेटेड, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। बात करते हैं लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है एंड वही सेम चीजें फॉलो करनी है। माइंड काम रहे, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे लव के साथ उनको कॉल आउट करना है, उसके बाद लेटर को लिखना है कुछ उस तरीके से। एंजल लेटर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि यू शुड बी अलोन, आप अकेले होने चाहिए। 10 से 15 मिनट्स तक का ये प्रोसेस होता है बेसिकली। सो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना फोन 10-15 मिनट्स के लिए बंद कर दीजिए प्लीज, जैसे कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सेकेंड इज योर माइंड शुड बी काम, आपका जो दिमाग है वो काम होना चाहिए। जस्ट इन केस अगर नहीं भी है तो आप 5 या 10 मिनट्स के लिए गाइडेड मेडिटेशन, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आते हैं जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल या ब्रेथ पे फोकस करके 2-3 मिनट्स के लिए एटलीस्ट अपना काम माइंड शांत करें, जिससे कि आपको फोकस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद जस्ट बी सीरियस अबाउट योर विश। अपने जो भी आपकी विश है या फिर जो भी आप चाहते हैं आर्कएंजल यूरियल से, प्लीज उस विश के रिगार्डिंग आप सीरियस रहें एंड मेक श्योर दैट यू वॉन्ट इट। इट्स नॉट जस्ट कि चलो टेस्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, शायद कुछ हो जाए। बी सीरियस अबाउट योर विश, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव फेथ और डोंट डू इट। अगर ट्रस्ट नहीं करते तो प्लीज डोंट डू इट, अगर ट्रस्ट करते हैं देन गो अहेड। नेक्स्ट इज बी इन हाई वाइब्स, अपने वाइब्स को हाई रखें, मेडिटेट करें, डांस करें, जिससे कि आपका मूड अच्छा हो, इन शॉर्ट। नेक्स्ट है एंजल लेटर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एंजल को या जिन भी एंजल के साथ आप काम करना चाहते हैं उनको 3 बार कॉल आउट करें, या फिर उससे ज़्यादा बार भी आप कॉल आउट कर सकते हैं। एंड मन में कर सकते हैं, दिमाग में कर सकते हैं, ऑल अप टू यू, बट एक तरीके से उन्हें कॉल करना है, बार बार करना है, हे आर्कएंजल यूरियल प्लीज़ कम, हे आर्कएंजल यूरियल प्लीज़ कम, हे आर्कएंजल यूरियल प्लीज़ कम। या फिर अगर आप किसी और आर्कएंजल के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको उनके नाम से कई बार बुला सकते हैं। 3 बार तो देखो मिनिमम है, उससे ज़्यादा बार भी आप उन्हें कॉल आउट कर सकते हैं, एज अ सॉन्ग उनको बुला सकते हैं, पूरे दिल के साथ, पूरी अच्छी एनर्जी के साथ, पूरे दिल खोल के, पूरे लव के साथ उनको कॉल आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ना आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप अपने रूम में उनको विजुलाइज कर सकते हैं कि वो आपके रूम में है, आपको देख रहे हैं। बट अगर आप ऐसा कोई एनर्जी उनकी 1% फील नहीं कर पाते हैं, इट डजेंट मीन कि वो आपके पास नहीं है, वो डेफिनेटली है। बिकॉज ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कॉलिंग वाला, 3 या 3 से ज़्यादा बार, इसमें क्या होगा, आर्कएंजल यूरियल है उनकी एनर्जी आपके रूम में आ जाएगी। मे बी अगर आप सेंसिटिव हो तो डेफिनेटली आप उनके एनर्जी को फील कर पाओगे, अगर आप सेंसिटिव नहीं हो इट डजेंट मीन कि वो यहाँ नहीं है, बस वो आपको फील नहीं हो रहे हैं, बट वो डेफिनेटली आपको देख रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करने के बाद ही आपको एंजल लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी है।
अब लेटर राइटिंग कैसे करनी है ये देख लेते हैं। यहाँ पे है टू आर्कएंजल, यहाँ पे यूरियल लिखना है। अगर आप किसी और आर्कएंजल के साथ में काम करना चाहते हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। फ्रॉम प्रीति, यहाँ पे अपना आपका जो भी नाम है आप वो नाम लिख सकते हैं। बाय द वे आई एम नॉट प्रीति बट स्टिल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लेटर लिया है, ठीक है। सेंट, यानी ये किस डेट में आप ये लेटर लिख रहे हैं। आज 11th of May 2021 है तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे टू लिखना है, फ्रॉम एंड देन सेंट, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में लिखना है बट अगर 1% आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर कि आपकी वाइब्स हाई हो, आप दिल खोल के सीरियस होके सिंसियर होके उनसे जो भी चाहते हैं वो मांगे। मैंने इस लेटर को पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, लविंग एनर्जी के साथ स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड एंड लव का मेंशन किया है जिससे कि मैं भी उस एनर्जी को फील कर पाऊँ, मैं भी उस फॉर्म में उस वाइब्रेशन में आ पाऊँ। फर्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद यू। यहाँ पे मैंने पूरा ग्रेटिट्यूड दिखा दिया। थैंक्स फॉर बीइंग माय फ्रेंड, मेरा दोस्त बनने के लिए थैंक यू सो मच। माय लाइफ इज परफेक्ट, इनफैक्ट रॉकिंग, मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अमेजिंग है। बट आई नीड योर लिटिल हेल्प, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग दीज डेज एंड माय एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड दिस टाइम माय टारगेट इज 9.1 CGPA। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मोटिवेट मी, थैंक यू सो मच इन एडवांस, थैंक यू। एंड यहाँ मैंने साइन कर दिए, आप चाहे साइन को यहाँ कर सकते हैं या फिर थैंक यू को यहाँ लिख सकते हैं, साइन यहाँ कर सकते हैं, देयर इज स्टिल नो राइट और रॉन्ग वे, बट मेक श्योर थैंक यू लिखें एंड में एंड साइन करके लेटर को क्लोज कर दें, इस लेटर की क्लोजिंग कर दें। इस तरीके से आपको ये करना है। इस लेटर को लिखने के बाद फील दैट लव, फील कनेक्टेड विद दैट आर्कएंजल्स एनर्जी। अब यहाँ पे आपका लेटर कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद क्या करना है। सबसे पहली चीज, आप कुछ मल्टीपल चीजें कर सकते हैं बट यूज योर इंट्यूशन कि आप इसमें से किस चीज के साथ जाना चाहते हैं। इट्स नॉट कि आपको ये सारी चीजें करनी है बट मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको इस लेटर के साथ डेली सोना है अप टू 30 डेज। डेली सोने से पहले इस लेटर को रीड आउट करना है, यूरियल को थैंक यू बोलना है, सॉरी आर्कएंजल यूरियल को थैंक यू बोलना है, उनको लविंग एनर्जी देनी है, थैंक यू बोलना है, लव सेंड करना है एंड उसको अपनी विश को विजुलाइज करना है जैसे कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, डेली अप टू 30 डेज। विजुलाइजेशन में बहुत शक्ति होती है, आप इससे कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गुड मार्क्स या फिर एनी सिंगल थिंग। अब ये प्रोसेस कर सकते हैं 30 डेज के बाद इसको करके, या तो आप इसको जला दें या फिर आप इसे अपनी किसी डायरी में या जर्नल में बंद करके रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ डेली अप टू 30 डेज मेडिटेट कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, इसमें आपको डेली अप टू 30 डेज आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी के साथ अपने विश के लिए मेडिटेशन करना होगा बिफोर गोइंग टू स्लीप। पहले सबसे पहले 2-3 मिनट्स तक अपनी सांसों पे फोकस करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, थॉट्स आएंगे उनको इग्नोर करें, उनको नॉर्मली एक्नॉलेज करके उनको हटा दें, वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाएं। उसके बाद विजुलाइज करें आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी को, जो इनका ऑरा है, अगर आप चाहें तो इनका ऑरा भी विजुलाइज कर सकते हैं, सिंपली व्हाइट लाइट भी विजुलाइज कर सकते हैं। इनका ऑरा बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वॉयलेट एंड रूबी कलर का, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ देर बाद इसके विजुलाइज करना है आपको अपने विश इन प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको लगाते हैं। आपको ऑलरेडी उस विश को देखना है, जैसे कि आपके पास वो ऑलरेडी विश है, अच्छे मार्क्स है, तो कैसे दिख रहे हैं वो अच्छे मार्क्स आपको, कितने मार्क्स हैं वो, उसको विजुलाइज करो, उसको अपने माइंड में क्रिएट करो, फील करो कि आपके इतने मार्क्स आपके एग्जाम्स में आए हैं या फिर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रिजल्ट विजुलाइज कर सकते हो। आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो एंड 30 डेज तक करना है, एंड उसके बाद ऐसा करके इसको भूल जाए। जब ऐसा करने के बाद 30 डेज हो जाएंगे, आप इस लेटर को बर्न कर सकते हो, जला सकते हो या फिर आप इसे अपने किसी जर्नल में एज अ रिकॉर्ड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्टली day 1 में ही इसको बर्न कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। एंड इससे नेक्स्ट ऑप्शन है day 1 में आप इसको अपने पिलो के नीचे ना रखे, इसके साथ ना सोके, आप सिंपली इसको अपने जर्नल में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली मैं आपको रेकमेंड करूंगी इन दोनों मेथड्स में से किसी एक पे जाएं, बिकॉज ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है, बिकॉज हम इसमें डेली 30 डेज तक एनर्जी देते हैं तो वो विश और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। बट स्टिल यूज योर इंट्यूशन, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, देन इट्स ऑल अप टू यू। अभी मैं आपको एक एडिशनल टिप दूंगी, day 1 में जब आप इस लेटर को लिखेंगे, इस लेटर को लिखने से पहले 3 कैंडल्स बर्न कर लें, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट स्टिल मैं इसे करना पसंद करती हूँ, शायद आप भी करना पसंद करें, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बट अगर ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है देन डोंट डू इट, इट्स ओके।
तीन कैंडल्स को बर्न करना है, उसके बाद कॉलिंग का प्रोसीजर जो आर्कएंजल्स को हम बुलाते हैं वो प्रोसीजर स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे थ्री कैंडल्स इसलिए बिकॉज थ्री एक बहुत ही मैजिकल मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, दैट्स व्हाई थ्री कैंडल्स। एंड यहाँ पे कैंडल ही क्यों, कैंडल बेसिकली फायर एलिमेंटल मैजिक का पार्ट है। जो कैंडल मैजिक है वो फायर एलिमेंट का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। फायर एलिमेंट बहुत पावरफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बे लीफ। बे लीफ को हम उस पर विश लिख के जलाते क्यों है, जलाना क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फायर जो होती है वो एक एलिमेंटल मैजिक का पार्ट है, ठीक है। दैट्स वाई हम बे लीफ को बर्न करते हैं। बे लीफ खुद में एक पावरफुल हर्ब है जो कि हर्ब मैजिक का एक पार्ट है, एंड हम उसको जलाते इसलिए हैं बिकॉज फायर जो है वो एलिमेंटल मैजिक का पार्ट है, तब जाके वो बे लीफ स्पेल बनता है। इस तरीके से आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, बट अगेन इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू विल डू दिस डेफिनेटली ये हेल्प ही करेगा, कुछ घटाएगा नहीं। तो ये आप इस तरीके से आर्कएंजल यूरियल को लेटर लिख सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। बहुत ही ईजी एंड बहुत ही अमेजिंग तरीका है। डेस्परेट मत हो, बिल्कुल भी डाउट मत करो, बिकॉज एंजल्स आर रियल एंड वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा है। यूनिवर्स को, यूरियल को, या जो भी आप अपने गॉड को मानते हैं, उनको थैंक यू बोलते रहिए, उनको ग्रेटफुल बोलते रहिए, थैंक यू सो मच मुझे इतने मार्क्स देने के लिए। भले ही आपके उतने मार्क्स अभी नहीं आए हैं, अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, बट स्टिल टेल देम कि आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने हैप्पी हैं वो चीज़ पाके। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें एंड अपने आप को हैप्पी रखें, अपना बेस्ट शॉट दें एंड यू विल मैनिफेस्ट इट, यू विल डू इट। तो अब आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो अब मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव you and bye.